भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक खेसारी की कई सारी फिल्में आपको आने वाले दिनों में सिनेमा घरों में भी देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेसारी लाल की कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो रिलीज से पहले तो खूब चर्चाओं में रही, लेकिन रिलीज होने के बाद कहीं गायब होती नजर आई। इन्हीं में से एक फिल्म है डमरू, जो रिलीज से पहले काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई रही, लेकिन फिल्म को क्यों खासा रिस्पांस नहीं मिल पाया और कितनी हुई इस फिल्म की कमाई सिनेमा घरों में, ये शायद ही किसी को पता चला हो और आप लोगों ने भी शायद ही सुना हो। दरअसल फिल्म को सिनेमा घरों में प्यार तो मिला, लेकिन ज्यादातर चैनल पब्लिक के रिव्यू को नहीं दिखा पाए और खेसारी भी उस फिल्म के रिलीजिंग के समय किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो चुके थे, इसलिए ना तो वो इस फिल्म का ज्यादा प्रमोशन कर पाए और ना ही इस फिल्म को दर्शकों के बीच ठीक से उतार पाए। लेकिन फिल्म के हर गाने को यूट्यूब पर खूब देखा गया है। फिल्म के कुल 8 गाने हैं जो सोशल मीडिया पर अच्छे खासे व्यूज पा चुके हैं और इन सारी फिल्मों के गानों को 3 मिलियन से कम व्यूज किसी को नहीं मिले। तो वहीं इस फिल्म का ट्रेलर भी 9 मिलियन व्यूज पा चुका है। जाते जाते बता दें कि इस फिल्म के सारे गाने और लुक वीनस म्यूजिक पर रिलीज किए गए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।